अग्निवेश कर मुझे। हेलो, यस नहीं चपता ना, बोलिए। हेलो, चपन अग्निवेश। मुझे ये कहना है बड़ी विनम्रता से, और राजगारू के लिए मुझे बहुत आदर है, सम्मान है, मेरे छोटे भाई हैं वो। मैं बड़े प्यार से कहना चाहता हूं कि पिछले साल एक फिल्म आई थी, उसका नाम था ओ माई गॉड। उसमें भूमिका, प्रमुख भूमिका थी परेश रावल की। परेश रावल ने हिंदू धर्म के सारे देवी देवताओं को इसी तरीके से जो मूर्ति बाजार में बेचे जा रहे थे उनका इतना मजाक उड़ाया, और सारे के सारे देवी देवता और साधु संतों के ऊपर उन्होंने पूरी तरीके से व्यंग बाण छोड़े। किसी ने आपत्ति नहीं की, क्यों? क्योंकि परेश रावल हिंदू है, एक्टर है वो, यस। लेकिन इस बार हमारे राजगारू या दूसरे लोगों को आपत्ति इसलिए हो रही है कि आमिर खान मुस्लिम है, लेकिन राजू हिरानी जो उसके डायरेक्टर हैं वो हिंदू हैं, जो उसके प्रोड्यूसर हैं उनको मैंने बधाई दी है, वो भी हिंदू हैं। सारे कास्ट 99% सारे के सारे हिंदू हैं उसके अंदर, उनको कोई तकलीफ नहीं हुई। सेंसर बोर्ड ने इसको पास किया। एलके अडवाणी, लाल कृष्ण अडवाणी, वो बोल रहे हैं कि ये वंडरफुल, मोस्ट करेजियस फिल्म। लाल कृष्ण अडवाणी एक हिंदू नेता हैं, उनके द्वारा ये कहा जा रहा है मोस्ट वंडरफुल करेजियस फिल्म। इतनी बात सब कुछ होने के बावजूद जो लोग ये काम कर रहे हैं कि हिंदू भावना को ठेस पहुंची, मनोभावा, मैं समझना चाहता हूं कि सारे हिंदू का ठेकेदारी आप मत लीजिए। yes, कुछ दूसरे लोग भी हैं, समझदार लोग भी हैं हिंदू के अंदर, और वो चाहते हैं कि ऐसी फिल्में दिखाई जाएं, ज्यादा से ज्यादा लोग देखें। मैं केसीआर को चिट्ठी लिखूंगा, चंद्रबाबू नायडू को चिट्ठी लिखूंगा, सारे चीफ मिनिस्टर्स को, कि आप इसका टैक्स एग्जेम्पशन हटाइए, टैक्स एग्जेम्पशन दीजिए इसको, और लाखों करोड़ों नौजवान देखेंगे, वैज्ञानिक yes. चिंतन बढ़ेगा। धर्म के नाम पर लूट खसोट, ठगी, धोखाधड़ी, ये बंद होनी चाहिए, और हम सच्चे ईश्वर की उपासना करें। जो ईश्वर हमें बनाता है हम उसकी पूजा करें, न कि उस ईश्वर की जिसको हम बनाते हैं, कारीगर बनाता है, 50 और 200 रुपए में हम खरीदते हैं। यस, थैंक्स अ लॉट अग्निवेश करू।